Let's summarize the simple permanent tissue. It will constituting mainly three parts that are first is parenchyma, second is colenchyma, and third is sclerenchyma. So these are the parenchymatous cells. We can easily see the nucleus here. Chloroplast is present, vacuoles are present. Vacuoles are large in size because this is a plant cell. And you can see intercellular spaces between the cells. So this is the structure of parenchyma, and you will draw the neat and clean diagrams in the if asked in the unit test. Okay. In this diagram, you can see the colenchyma cells. You can see the thickening at the corners. The thickening is present at the corners of the cell wall. Nucleus is present, vacuole is present, there is a lot of cytoplasm, and the colenchyma cells provide the bending ability to the plant tissue. They bend the twigs, and the twigs bend without breaking due to the presence of colenchyma. Or location inka veins mein hoga, cell leaves mein mainly present hote hain. ठीक है. और दिस ए पार्ट इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन एंड द बी पार्ट इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द कोलेनकाइमा सेल्स. यू कैन सी बोथ द कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा इन दिस स्लाइड, एंड हियर इज़ द स्क्लेरेनकाइमा. दिस इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन एंड दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. ट्रांसवर्स सेक्शन में बेटा स्टेम को लिया गया है और इस तरह से कट किया गया है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में. एंड वी कैन सी द सेल्स, दे हैव पिट पेयर. पिट पेयर मतलब टू पिट्स आर प्रेजेंट साइडवेज, एंड देर इज़ नैरो ल्यूमेन. नैरो का मतलब बहुत कम सेल के बीच स्पेस होता है, बिकॉज सेल वॉल्स आर वेरी मच थिकेंड. सेल वॉल्स की थिकनिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए ल्यूमेन बहुत नैरो रह जाता है. एंड दीज आर द लिग्निफाइड थिक वॉल्स यू कैन सी हियर, एंड दिस इज़ द पिट एंड दिस इज़ द नैरो ल्यूमेन. हमें पता है कि स्क्लेरेनकाइमा इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स. स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में सारी सेल्स डेड होती हैं, और वो डेड इसीलिए होती है क्योंकि सेल वॉल पे थिकनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और बीच में साइटोप्लाज्म के लिए बहुत थोड़ा स्पेस बचता है. स्क्लेरेनकाइमा का मेन फंक्शन मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का है. मेनली नट्स में ये प्रेजेंट होगा, आउटर कवरिंग एज एन आउटर कवरिंग. जैसे हस्क ऑफ कोकोनट है, वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है. पियर में जो तुम देखते हो रिजिड स्ट्रक्चर्स आते हैं थोड़े से, दैट ऑल आर स्क्लेरेट्स विच आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू.